अस्सलाम वालेकुम माय डियर सब्सक्राइबर्स, होप यू आर फाइन देयर। आज मैं प्रिसन 15 की नई वीडियो लेके आ चुका हूँ और सीरीज़ बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। नई नई चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं और प्रिसन 15 में बहुत सारे हिडन प्लेसेस हैं जो आप लोगों को नहीं पता होंगी, वो मैं आपको बताऊँगा। और प्रिसन 15 भी प्रिसन 14 की तरह ही है, बहुत खूबसूरत एरिया है, उधर भी 125 गज के ही प्लॉट हैं सारे वहाँ पर। तो प्रिसन 15 है और प्रिसन 15 भी, मैं दोनों एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ और बाकी वीडियो को आप एंजॉय करें। ये जो प्रिसन 15 है ये बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें प्रिसन ए भी है, प्रिसन 15 बी भी है और बहुत सी चीज़ें हैं जो बन जाएंगी आने वाले वक्त में। लेकिन अभी आपको हम उधर के प्लॉट वगैरह दिखाएंगे और कुछ हिडन प्लेसेस हैं वो भी दिखाएंगे। बाकी बने रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दें क्योंकि ऐसी धमाकेदार वाली वीडियो हम लोग लाते रहते हैं, ट्रैवल ब्लॉग लाते रहते हैं। देखो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ये सारी जितनी भी हेल्पफुल वीडियोस हैं वो आप लोगों तक सबसे पहले जाएंगी। और बाकी प्रिसन 15 में ऐसी कोई भी स्ट्रीट नहीं है जहां प्लॉट वगैरह नहीं बन रहे हैं, हर स्ट्रीट में एक दो प्लॉट, तीन चार प्लॉट बन रहे हैं और बहुत जल्द बन जाएंगे ये, और इंशाल्लाह कुछ माह बाद पोजीशंस भी मिल जाएंगी इनकी। तो प्रिसन 15 है और प्रिसन 15 भी है, दोनों 125 गज का है। और अभी आप पूरा प्रिसन में देख सकते हैं, जब भी हम लोग जाते हैं ना वीडियो बनाने कोई भी नहीं होता वहाँ पर एक दो लोगों के अलावा। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये पहाड़ वगैरह ये सब अभी येलो हुआ हुआ है, लेकिन जब बारिश होती है तो ये पूरा ग्रीन हो जाता है। जो मैं आपको डैम दिखाने जा रहा हूँ ये सिर्फ प्रिसन 15 बी में है और अभी तक किसी ने नहीं दिखाया, और उम्मीद है आप जब ये देखेंगे तो आप लाइक ज़रूर करेंगे और अपने प्लीज दोस्तों में शेयर कर दिया करें क्योंकि खुशी मिलती है यार मुझे। और मैं ये होता है कि मेरी मेहनत वसूल हो जितनी भी मैंने मेहनत करी है। तो प्रिसन 15 बी में है डैम और ये जो कच्चा एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ से हम कच्चे में अंदर ही अंदर गए थे। आप पूरा वीडियो में देखते जाएंगे मैं कहाँ तक अंदर तक गए थे बिल्कुल, और हम तो ऐसे ही गए थे कि यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, यहाँ खड़ोगे इंट्रो बनाएंगे, और मुझे तो पता भी नहीं था, ना मुझे पता था ना मेरे बाबा को पता था। तो हम ऐसे ही बस रेंडम जा रहे थे अंदर गलियों में और कच्चा आ गया था, फिर कच्चे से हम लोग अंदर जा रहे थे तो उधर बड़ा सा पत्थर था, तो हमने बोला वहाँ बैठ के हम लोग इंट्रो बनाएंगे और बहुत ही खूबसूरत व्यू आएगा शाम का टाइम का। लेकिन हमको क्या पता था कि वहाँ इतना खूबसूरत डैम है और बिल्कुल राइड पे हम लोग जब चले, मैंने बोला डैम है, तो मैंने बोला बाबा ने बोला क्यों ना चलते हैं अंदर, और ये तो हम बिल्कुल ही अंदर गए थे कच्चे में और आपको लोकेशन पता चल गई है। लेकिन बिल्कुल भी गलती मत करिएगा गाड़ी लेके जाने की, आप जब भी गाड़ी अंदर लेके जाएंगे वहाँ पर कच्चा है पूरा एरिया, बड़े बड़े पत्थर हैं तो गाड़ी वहाँ फंस सकती है, वहाँ एक कल्टस फंस चुकी थी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी आप लोगों की मर्जी है। और बाइक फंस गई थी यार जाते जाते, बाइक चले तो गए थे हम अंदर लेकिन वहाँ बाइक फंस गई थी हमारी, फिर बड़ी मुश्किल से हम लोग आए अल्लाह की मदद से। आप ये देख सकते हैं मैं सीव्यू पे नहीं आया हुआ हूँ, ये बीटी के ही है और ये 15 बी में मैं हूँ, ये डैम चल रहा है इधर और इधर का आप व्यू एंजॉय करें, जंगल पिया वाने, लेकिन हम इधर एंजॉय कर रहे हैं पानी वानी में, और इधर पानी भी है और ठंडा पानी बहुत ठंडा है। बाकी डैम आप देख सकते हैं बहुत गहरा डैम है, ये इधर आप स्विमिंग नहीं कर सकते। बाकी हम आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या है, तो ये आप देख सकते हैं मैं मेहनत कर रहा हूँ, बस मेहनत का फल आप अल्लाह ताला भी दे सकते हैं, आप लोग भी दे सकते हैं। आप लोग कैसे दे सकते हैं, आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। तो फिर ये था डैम, बड़ा खूबसूरत सा, और जहाँ मैं बैठ के मैंने वीडियो बनाई थी ना उधर बारिशों के टाइम पे पानी ना ओवरफ्लो हो जाता है और ऐसा लग रहा था कि मैं किसी झील पे बैठा हुआ हूँ, समंदर के किनारे पे हूँ, और क्या खूबसूरत व्यू आ रहा था। शाम के टाइम पे तो और मस्जिद खूबसूरत हो जाता है। भेड़िया में जितने भी प्रिसेंट्स हैं हर प्रिसेंट की एक अपनी खूबसूरती है, प्रिसन 19 की एक अलग है, प्रिसन 2 की अलग है, प्रिसन 10 की अलग है, प्रिसन 15 बी की अलग है, प्रिसन 14 भी बहुत खूबसूरत है, छोटा सा है लेकिन है बहुत खूबसूरत, प्रिसन 15 बी भी बहुत अच्छा है। बाकी हम आपको और बता दें कि अंदर क्या क्या बना हुआ है, तो वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता करके डेवलप हो रहा है सब, वहाँ पर आप पहाड़ देख रहे हैं ये सब कटेंगे और इसी के ऊपर प्लॉट वगैरह बनेंगे, क्योंकि वहाँ पर बड़ी हैवी मशीनरीज हैं, क्रेन वगैरह चढ़ती हैं पहाड़ों पर काटते हैं, और बहुत से लोग तो अभी से बुक करवा देते हैं और फिर उधर अपना घर वगैरह बनवाते हैं, और बहुत से लोग आते हैं उधर, कच्चा है पूरा, जंगल बियाबान है, लेकिन आते हैं लोग उधर देखने के लिए, प्लॉट वगैरह बुक करने के लिए, क्योंकि यही टाइम सबसे बेस्ट है। आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ प्लॉट बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, तो आप राइट पर देख सकते हैं, लेफ्ट पे देख सकते हैं कि वहाँ पर पेड़ वगैरह भी लग गए हैं, सारे खज्जी के दरख्त हैं,
और इधर जब ये बड़े हो जाते हैं तो उधर खज्जी भी उगती है, जैसे आप हमारे पार्क के नीचे देख सकते हैं खज्जी उगी हुई है, लेकिन कोई तोड़ नहीं सकता। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। देखो भाई, प्रिसेंट की सीरीज ना चलती रहेगी, वो मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा और नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप मुझे बताएं कि आपको क्या देखना पसंद है, कहाँ घूमना चाहते हैं आप लोग। जहाँ आप लोग नहीं गए मुझे पता है, मैं कोशिश करूँगा वहाँ जाऊँ और वहाँ की वीडियो बनाऊँ, फूड स्ट्रीट पे जाऊँ, इधर उधर जाऊँ। आपके जहन में कोई भी आइडिया हो तो आप वो आइडिया मुझे ज़रूर बताएं, तो उस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा और ज़रूर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। लेट मी नो कोई भी चैलेंज हो, चैलेंज भी दे सकते हैं आप लोग मुझे, मैं बहुत डियरिंग हूँ। तो इसी बात पर सब्सक्राइब और लाइक कर दें, फिर मिलेंगे आपको धमाकेदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।